इनकी मांग से ज्यादा जिन्होंने इनको घेरा पीछे से डालकर रखा था। कोई कहता था सिंथेटिक ट्रैक दे दो, कोई कहता था खेलो इंडिया का सेंटर दे दो। मैं आपके सामने एक नई चुनौती रख रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप एक साल के अंदर मुझे इंडोर स्टेडियम, एक साल क्या, चलो मैं इसको 14 महीने कर दिया, आप मार्च 2024 तक इसको बनाकर तैयार करो, आपका एथलेटिक ट्रैक भी मैं आपके लिए मंजूर कर देता हूं ताकि हम इसको बना सकते हैं। मेरे भाई सीपी जोशी जी के क्षेत्र में खेलों की सुविधाओं में कोई कमी ना रहे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। साढ़े 11 बजे वहां से चले, सुबह 4 बजे सीपी जोशी जी की हाजिरी में हम पहुंच गए हैं। अब यहां से उदयपुर में कार्यक्रम है, फिर पाली में, फिर जोधपुर में। खिलाड़ियों को ही शपथ लेनी है भाई। चलिए, लोकसभा तैयारी है कि नहीं तैयारी है खिलाड़ियों को? चलिए, लोकसभा स्तरीय और युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी आ जाए, नेहरू युवा केंद्र वाले सुमित जी और हमारे उज्जवल जी दोनों आ जाए। अब मंत्री महोदय मंच से नीचे पदार्पण करके पहले इंडोर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण होगा। पहले ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के लिए लाल सिंह की ड्यूटी और हमारे पारस जी टेलर साहब और हमारे मावली विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, प्रतापगढ़ से पधारे हुए सभी मंडल अध्यक्षगण, कोलम नगर विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षगण, भारत माता की, भारत माता की, ये ध्वजारोहण और आज के खेल की शुरुआत गुब्बारे छोड़कर मंत्री महोदय ने की है। शॉट्स वाले विज्ञान सिंह जी, जिला प्रमुख सुरेश जी धाकर, सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि शिलान्यास पट्टिका का भारत माता की शिलान्यास हो चुका है और आज मंत्री महोदय ने सिंथेटिक ट्रैक का भी मंजूरी दे दी है। हमें एक साल में ये इंडोर स्टेडियम तैयार करके देना है और सिंथेटिक ट्रैक भी लेना है, और उस सिंथेटिक ट्रैक के उद्घाटन में भी आपको वापस मंत्री जी को बुलाना है। करेंगे, सभी खिलाड़ी खड़े हो जाएं, एनएसएस वाले स्वयंसेवक वगैरह सभी अपने स्थान पर ट्रैक के पास आ जाएं, सभी ट्रैक के पास आ जाएं, खिलाड़ी सभी ट्रैक के पास आ जाएं। मंत्री महोदय ई रिक्शा से ग्राउंड का निरीक्षण नमस्ते करके निकलेंगे, सभी खिलाड़ी ट्रैक के आसपास खड़े हो जाए, जहाँ भी जगह मिलती है खिलाड़ी सभी ट्रैक के पास आ जाए। एमपी साहब चला रहे हैं ई रिक्शा को। जय हिंद। 15 से 20 गेम्स को खेलने की सुविधा हो जाती है और वो आप यहाँ पर बैठकर तय कर लें कौन कौन सी गेम्स यहाँ पर होंगी, ताकि यहाँ पर खिलाड़ी केवल खेले नहीं, भविष्य में देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतने का काम भी हमारे चित्तौड़ के खिलाड़ी का। आदरणीय सीपी जोशी जी ने इनकी मांग से ज्यादा जिन्होंने इनको घेरा पीछे से डालकर रखा था। कोई कहता था सिंथेटिक ट्रैक दे दो, कोई कहता था खेलो इंडिया का सेंटर दे दो। मैं आपके सामने एक नई चुनौती रख रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप एक साल के अंदर मुझे इंडोर स्टेडियम, एक साल क्या, चलो मैं इसको 14 महीने कर दिया, आप मार्च 2024 तक इसको बनाकर तैयार करो, आपका एथलेटिक ट्रैक भी मैं आपके लिए मंजूर कर देता हूं ताकि हम इसको बना सकते हैं। मेरे भाई सीपी जोशी जी के क्षेत्र में खेलों की सुविधाओं में कोई कमी ना रहे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। में 2014 तक खेलों का बजट 860 या 864 करोड़ रुपया होता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है और उनको एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स कहते हैं, यानी कि पोडियम तक जाने का काम
उन खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, उनकी ट्रेनिंग का, देश और विदेश का पूरे साल का खर्चा, दुनिया भर में टूर्नामेंट खेलने जाए उसका खर्चा भी वो सारा भारत सरकार उठाती है, और 6 लाख रुपया साल का बच्चों को जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। अभी वो खेलते ही हैं लेकिन 6 लाख रुपया जेब खर्च भी मिलता है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उसके ऊपर खर्च किया। इस तरह से ही एक और स्कीम है जहां हम खेलो इंडिया के अंतर्गत लगभग 3000 खिलाड़ियों को पूरे देश भर से चयनित करके सरकारी और गैर सरकारी अकेडमीज में उनको ट्रेनिंग देते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी पर 6,23,000 रुपए से ज्यादा खर्चा आता है और हर खिलाड़ी को, 3000 खिलाड़ियों को 10,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से, यानी कि साल का 1,20,000 रुपया अलग से दिया जाता है 3000 खिलाड़ियों को, और बाकी उनके ऊपर 6,23,000 रुपया साल का खर्चा ट्रेनिंग के ऊपर भी भारत सरकार वहन करती है।